बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 47 न्यूज़ और मैं हूँ हिना नासिर। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर में SHO शादरा मकसूद गुजर समेत 14 पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में 155 और 342 के दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। SHO मकसूद गुजर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। SHO ने चेयरमैन PTI जाहिद समेत फैक्ट्री मालिक पर थाना शादरा में तशद्दुद किया। पुलिस ने PTI चेयरमैन और फैक्ट्री मालिक को हवालात में बंद कर दिया। नालायकी छुपाते SHO मकसूद गुजर ने सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालत ने सबूत की बिना पर मुकदमा फौरी खारिज करने का हुक्म दे दिया। शेखुपुरा पुलिस ने अपने बेटे भाई को बचाने के 100 जतन करने लगे। सदर डिवीजन में मसाजिद, दरबारों, इमाम बारगाहों और तमाम इबादत गाहों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। SP सदर की हदायत के मुताबिक नमाज तरावी के लिए आने वाले अफराद को भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। दौरान ड्यूटी तमाम अफसरान और अहलकारान हाई अलर्ट रहें और अपने इर्द गिर्द कड़ी नजर रखें। मसाजिद, दरबारों पर आने वाले जायरीन और नमाजियों को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाए। SP सदर ने कहा कि तमाम अहलकार हिफाजती इकदाम अपनाते हुए फराइज की अदायगी सर अंजाम दें। हालिया दहशत गर्दी की पेश नज़र कैंट डिवीजन में रात गए सर्च ऑपरेशन किया गया। SP कैंट अब्दुल्ला की सरबराही में सर्च ऑपरेशन हुआ। सर्च ऑपरेशन जनूबी छावनी, गाजियाबाद, मुस्तफाबाद, नॉर्थ कैंट के इलाके में किया गया। सर्च ऑपरेशन में DSPs और SHOs की भी शिरकत। सर्च ऑपरेशन में खुफिया दारों के अहलकारों के साथ पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। बायोमेट्रिक और जदीद डिवाइस की मदद से मशकूक अफराद को चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन में खसूसी तौर पर होटलों, गेस्ट हाउसेज और किराएदारान को चेक किया गया। SP ने कहा कि सर्च ऑपरेशन का मकसद अमन व ईमान को बरकरार रखना और शहरियों में एहसास तहफ्फुज़ पैदा करना है। शहरियों की जान माल के तहफ्फुज़ की खातिर हर वक्त कोशिश रहेगी। SP इकबाल और इमरान अहमद मलिक की जेर निगरानी मौजूदा मुल्की हालात की पेश नज़र सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए मिलत पार्क के रहायशी इलाकों में पुलिस का ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में SDPO, SHO समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस के अलावा खुफिया इदारों के अहलकारों ने भी शिरकत की। बायोमेट्रिक और जदीद आलात की मदद से मशकूक अफराद को चेक किया गया। सर्च ऑपरेशन में 220 घर, 440 अफराद और 35 से ज्यादा किराएदारों को चेक किया गया। SP इकबाल और इमरान अहमद मलिक ने कहा कि शहरियों के जान माल के तहफ्फुज़ की खातिर हर वक्त कोशिश रहेंगी। SP सदर अहसन सैफुल्ला की जेर निगरानी में रायविंड के रहायशी इलाकों में पुलिस का ग्रैंड सर्च ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन में SHO, रायविंड, मांगा मंडी समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस के अलावा खुफिया इदारों के अहलकारों ने भी शिरकत की। बायोमेट्रिक और जदीद आलात की मदद से मशकूक अफराद को चेक किया गया। लाहौर में कौमी शाहराह पर डकैती करने वाले 3 मुल्जिमान को मोटरवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को मोटरवे पुलिस ने चुंग लाहौर के नजदीक से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान ने मांगा मंडी के करीब एक ट्रक से डकैती की। डकैती की इत्तला मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर मौसूल हुई। मुल्जिमान के कब्जे से कार, असला और नकदी बरामद किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ मुल्जिमान पहले भी राहजानी और डकैती की वारदातों में मुलविस हैं। तीनों मुल्जिमान को मसलूका सामान थाना चुंग के हवाले मजीद तफ्तीश करने के लिए भेज दिया गया। 47 न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात जानने के लिए देखते रहें 47 न्यूज। इसके अलावा हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर।